नीचे छुप गया। अच्छा हूं तुसी पुछोगे आसी साहब फकीर दे बवे आया चोर की लैन इथू की लबना। हजरत राबिया बसरी नमाज पईयां पढ़दियां तहज्जुद दी नमाज पढ़दियां ते चोर आ गया सारी कुली विच फोल के तुर पिया। इधर आपने सलाम फेरिया ते चोर बाहर चलिया ते फरमा दिया किधर आया सा? कहन लगा चोरी करन आया कुछ लब्भा ही नहीं। आप फरमा दिया खाली ना जमी फकीर दे बूहे आए हैं। फरमा लगे दो घड़ियां ठहरते मैं वेखा तेरे लिए कुछ देवन ली तेनों है कि नहीं मेरे बूहे खाली ना जामी। चोर रुक गया। आपने फरमा इंज कर जा अंदर ते कुछ वेख कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। उतरा कमरा फोल के ना ते लोटा लेके आया ते कहने लगा आ लोटा ही मिले। आप फरमा लगे नहीं नहीं कुछ होर भी होगा मैं तेनों कुछ ना कुछ अज दे के भेजना है दे के भेजना है। फरमा दिया इंज कर तू इस लोटे ना पानी भर के वजू कर ते दो नफल पढ़ ते मैं देखनी है तेनों की दे के भेजना है। चोर नु ख्याल आया बीबी जान ने खाली नहीं जान देना चलो मैं उन्हीं दे नफल पढ़ लेना। उन्हें वजू किया ते वजू करके दो रकात नमाज नफल। उन्हें पहली बारी नफल नियत की थी ना इधर चोर सजदे च गया उधर बीबी राबिया बसरी भी सजदे च आ गई अर्ज कर दिया नहीं या अल्लाह मेरे बुबे आया कुछ नहीं मिलिया मैं तेरे बुआ भेजिया कर दिया नहीं या अल्लाह नु खाली ना हो जान देवी। नौजवान इधर चोर सजदे च गया उदे दिल दी दुनिया बदल गई उनु सजदे च ना लुतफ आया सारी रात इको सजदे च गुजर गई। जेड़े वेले फजरी वेले दियां गाना होईयां उने सजदे च सिर चुकिया सलाम फेर के रोंदा ही टुर पिया। हजरत राबिया बसरी फरमांदियां ने दस कुछ मिलियाई उदी चीख निकल गई आसमान वल उंगली करके कहन लगा मिल गया। हजरत राबिया बसरी सजदे च डिग पईयां कहन लगियां रब्बा ओनू इको सजदे च मिल गया मैनू क्यों नहीं मिलदा। आसमान तो आवाज आई ओनू तेरे सदके मिलिया। गौस पाक दी चार पाई दे नीचे चोर छुप गया। अच्छा तुसी पुछोगे आसी साहब इन्हां फकीरां दे बूहे ते हुंदा ही कुछ नहीं ते ओह की लैणा है? असल च गौस पाक जिहड़ी पगड़ी बंद सन ना उह 70,000 दिरहम दी सी। कितने आ हुण मौलवियां दी गल आई हुण ना बोलिया जे मौलवी लै लैणा नवीं मोटरसाइकिल ते हाफिज जी पता है साढ़े पिंड दे बेली पता की कहंदे ने ए मौलवी साढ़े पिंड आके फिट गया है ना नवा सूट पा ले ना मौलवी ते लोक कहंदे ने वेखो। पर सच्ची गल है वे मौलवी होना ही अमीर चाहिए पता क्यों? चौधरी दी कोठी वेख के मौलवी दा दिल ना करे कदे मैं भी चौधरी होंदा। मौलवी की कोठी वेख के चौधरी आके कदे मैं भी मौलवी होंदा। कदे मैं भी मौलवी ते आलिम होंदा मेरे भी पुत्र आलिम बनन। याद रखियो गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला नू जिहड़ा सूट पहनदे सन ना ओह वक्त दे बादशाहां नू भी नसीब नहीं सी होंदा। हज़रत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला बड़ा कीमती सूट पहनिया किसी आख्या नबी दे पुत्र हो ते एडे महंगे सूट पाते हो तुहाडे नाने ने ते कदे एडे महंगे सूट पाए नहीं सन। इमाम जाफर सादिक ने बटन खोल के नीचे विखाए ते बोरी दा सूट पहने थले बोरी पहनी है फरमाया वो रब नू विखाण लई पाया है ये लोकां नू विखाण लई पाया है। हजरत गौसे पाक जिहड़ी पगड़ी बनते सन ना उस 70,000 दिरहम दी सी। हजरत मौलाना फैज अहमद वैसी साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने 70,000 दिरहम दी। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिहड़ा कपड़ा पहनते सन वह भी वक्त के बादशाह उन्होंने हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह सोने के तिले का खुसा पहनते सन सोने के तिले का खुसा। किसी आख्या तुम नस्ल रसूल हो नबी के पुत्र हो आले रसूल हो सैयदजादे हो वली हो आलिम हो तो सोने का खुसा क्यों पहनते हो? आपने फरमाया मैं आलिम ही हाँ ना जेड़ा वेखे मेरी जुत्ती वाली वेखे मेरे चेहरे वाल वेखन की जरूरत ही ना करो आलिम की वजह।
चोर नूं ख्याल आया कि मैं गौस पाक की पगड़ी चुरा लवां ते सारी जिंदगी मेरिया नस्लां भी बह के खावण गईआं ते बाबा जी ने नफल पढ़ते जा रहे उहदा ख्याल हुण बाबा सौवें ते मैं जावां ते बाबा कित्थे सौवें बाबे दी जिंदगी ते 40 साल दीआं रातां जागदिआं गुजर गईआं गौसे पाक वली ने जिन्होंने 15 साल लगातार एक पाँव ते खलो के 15 साल हर रात एक कुराने मजीद पढ़िया 40 साल इशा दे वजू नाल फजर की नमाज पढ़ी 15 साल एक पाँव ते खलो के हर रात एक कुरान पढ़े आप नफल पढ़ते रहे तो चोर नूं ख्याल आया बाबे ते नहीं सौना ते मैं ते जावां उन्हें पगड़ी चुकी तुर पिया दरवाजे कोल गया ते अखां नबीना हो गईआं वापस आवे ते ठीक हो जाए दरवाजे वल जावे ते नबीना होवे ना जान जोगा ते ना रहन जोगा उन चार पाई दे नीचे छुप के रोई जावे ते रोई जावे गौस पाक नफल पढ़ी जा रहे तहज्जुद दी नमाज दा वेला ते गौस पाक दे ना कुल्ली दा दरवाजा खड़किया आपने सलाम फेर के पूछा कौन बारू आवाज आई खिजर अलैह सलाम आया हाय 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 सियाल शरीफ दा दूल्हा दा ते खाजा शमसुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल एक बाबा बड़ी देर बैठ के गल्लां करदा रहा ते खादिम चाहे पानी पिया पिलावे ओ बाबा जद टुरिया ते हजरत खाजा शमसुद्दीन सियालवी अपने मुरीद नु फरमांदे ने हजरत खिजर अलैह सलाम नु वेखणे ते ओ बाबे नु वेख लै ए खिजर मैनू मिलन आया सी ते मुरीद हाथ जोड़ के कहंदा मैं उस खिजर नु क्यों वेखां मैं इस खिजर नु ना वेखां जिन्नू ओ खिजर मिलन आया सी गिरामी कदर हजरात हजरत खिजर अलैहि सलाम दरवाजा खड़काया गौस पाक फरमांदे ने कौन बारू आवाज आई मैं खिजर अलैहि सलाम आया हजरत गौस पाक फरमान लगे हुजूर किधर आयो ते खिजर अलैहि सलाम फरमान लगे फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया है ते कुतुब दियो याद रखियो कुतुब बनाना गौस दी ड्यूटी होंदी है ते ड्यूटी ते छोड़ के आना हजरत खिजर अलैहि सलाम दी ड्यूटी होंदी है आपने फरमाया फलां इलाके दा कुतुब फौत हो गया कुतुब दियो गौस पाक फरमांदे ने हुजूर सुबह आया जे किसी मुरीद नु कुतुब बना के तुहानू पेश कर देवांगे ते खिजर अलैहि सलाम फरमांदे ने मैं ते टुर जावांगा पर जे सुबह तक इलाका तबाह हो गया ते जिम्मेदारी तुहाडी जे गौस पाक फरमान लगे मैं जिम्मेदारी नहीं लैंदा ते खिदर फरमान लगे फिर खुद बना के देना तुहाडी ड्यूटी है दियो गौसे पाक दरवाजा खोल के कहन लगे कुतब लाना जे दियो मंजी थल्ले लुकिया खिदर अलैहि सलाम ने चोर दा बाजू पकड़े आओ फरमाया चलो कुतब जी चली आए कह लगा मैं ते चोर हां फरमाया चुप करके नाले टुरी जा तू ए गौस दे आया है आया चोर से चलिया कुछ होर है कोई निगाह करके चोर नु कुत्ता बना दिता ओ चोर कुत्ता बन के पगदा दी गलियां च जा रहा हो नाले कहंदा लोगो इस बाबे दे मुरीद हो जाओ तेरा चोरा नु खाली नहीं जान देंदा मुरीदा नु कदों खाली जान देवे देख लियो भाई गल हुण चोर तो शुरू हो गई ते फिर चोरां ते डाकुआं दी शुरू हो गई चलो आओ मुड़ वापस चली हजरत पीर मेरे अली शाह साहब फरमान लगे गामो पीरां दे आखे लगना पैणा ही उन्हें आख्या बाबा जी नमाज पढ़ांगा रोज़ा रखांगा हज करांगा जकात देवांगा चोरी मैं नहीं छड़नी आप फरमान लगे तेरी शर्त है ते गामो कहन लगा जी मेरी शर्त है ते पीर मेरे अली शाह फरमान लगे फिर एक शर्त मेरी भी आ हजूर केड़ी फरमा जा गामो जम जम चोरियां कर पर एक गल का ध्यान रखी जद चोरी करदा आवे तेनों किधरे गोलड़े वाला पीर ना वेखदा होवे मेरे सामने चोरी ना करी तो मैं शर्मिंदा ना करी गामो नो ख्याल आया कि बाबा जी फरमा रहे ने गोलड़े चोरियां नहीं करनिया ते बार क्या लगा बाबा जी मैं मंजूर है उन्हें हाथे हाथ रखिया ते बाबा जी ने कलमा पढ़ा के तौबा करा के बैत करके फरमा जा गामो गामो दरवाजे च टुड़िया ते पीर मेहर अली शाह फरमा दे ने गामो शर्त याद रखी कह लगा बाबा जी बड़ी याद है गामो टुड़िया टुड़िया गुजरात पहुंचा ते अद्धी रात दा वेला हो गया ते हुण आदत पईयां जांदियां नौजवानों का मोन अभी रात वेले कबाखान च बड़ा चोरी पिया कर दा है चोरी करके सामान चुकन लगा कहंदा मैं वेख के आराम रह गया उस कमरे च पीर मेरा अली शाह नफल पे पढ़ दे गामू ने सामान सटिया ते दौड़िया बाहर ते बाहर आके कहंदा यार ना शुक्र है पीरा नहीं वेखिया शुक्र है पीरा
नहीं वेखिया थोड़ी दूर गया दूसरे गाड़ी च बड़े आओ चोरी करके सामान चुके बाहर निकलन लगा दरवाजे च आया पीर मेरे अली शान दा हाथ पकड़ लिया पकड़ के फरमान लगे कम हया कर उठे नहीं सा वेखदा इथे ते पिया वेखना उठे नहीं सा वेखदा इथे ते पिया वेखना पता चलिया वली ओ जेड़ा हर वेले मुरीद ले चला मियां साहब दे दरबार ते तुसी बोले नहीं ते लै मैं जाना सी होर उचा बोलो सुभान अल्लाह अजे मैं शुरू होया ते मेरे बेली हुण मैनूं नाल दे इशारा करन लग पए चलिए बस करो अजे नहीं जाना तुहाडा की जांदा मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने माली बाग दी भाई माली बाग दी माली बाग दे राखी करदा फल कच्चे होन या पक्के पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे उन्य तू होन जै सच्चे पीर मुरीदां दे अच्छा जिदे हेनो ते बोले पीर मुरीदां दे भाई फिर बोले पीर मुरीदा दे फिर आखे पीर मुरीदा दे गौसे पाक फरमांदे ने मैं अपने मुरीद सिर ते इंज वसना जिवें जमीन ते आसमान वसदा है पीर मुरीदा दे सिर ते रहंदे इहदे ते मैं अहदीस अर्ज करां ते अलहम्दुलिल्लाह बकदर कारे याद है हजरत उमर फारूक ने हजरत सारिया नूं भेजिया ते फरमाया या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल या सारियत अल जबल एक महीने का सफर सी दरमियान है ते लोगां हजरत सारिया नूं महीने बाद पुछया की बनी फरमाया असी जंग जित गए आख्या तुसी ईरान सो उमर मदीने सी ते तुहानूं आवाज़ किवें गई आपने फरमाया रब्बे काबा दी कसम है मैनूं इंज लगदा सी जिवें उमर मेरे मोढ़ियां ते बह के पिया बोलदा है भाई पीर मुरीदां दे फिरते रहिंदे पर आओ मैं तुहानूं मिठी जी गल सुनावा अलीपुर सैयदां दा ताजदार हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह असर दी नमाज वेले अपनी अम्मी नूं वेख्या रोटियां पई सैयदादी मां पकावे कहण लगे अम्मा जी इजाजत होवे ते चूरा शरीफ पीरां नूं मिलावां मां सैयदादी रोटी पका रही फरमादियां शाह जी रोटी खा के जाओ किड़ियां चंगियां मावा आउंदियां सन पुत्रां नूं पीर खाने भेजदियां आउंदियां सन कहिंदियां सन जावे पुत्रा पीरां नूं मिल के आ हैं तुसीं भी अपनी औलादां नूं किसे वली कोल लै के जाया करो ईमान दा पहरेदार बिठाओ ओक मुरीद गया अल्लाह वाले दी बार गए ते कहन लगा पीर जी 40 साल होए ना मैनूं मुरीद होया ते मैनूं मिलिया ही कुछ नहीं आपने फरमाया तू सिख हो गया कह लगा नहीं फरमाया हिंदू हो गया अखे नहीं फरमाया मिर्ज़ई हो गया हजूर नहीं फरमाया खुद बद मजहब हो गया हजूर नहीं बद अकीदा हो गया कह लगा नहीं ते फरमाया चलिया 40 साल तेरे ईमान की राखी करता रहा अजे भी कहना मैं दिता ही कुछ नहीं मुर्शद ईमान दा राखा हुंदा है ईमान दा पहरेदार हुंदा है हजरत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह अम्मी नूं आख्या अम्मी जी चूरा श्री पीरां नूं मिलावां अम्मी फरमान लगी रोटी खा के जायो अर्ज कीती अम्मा जी इजाजत होवे ते किधरे रस्ते च ना खा लवां मां इजाजत दीती ते टूरे 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 ते चूरा शरीफ ही चले गए चूरा शरीफ जिला अटक दे अंदर अलीपुर सिगदा नारोवाल सियालकोट पसरूर का इलाका ते बाबा जी टूरे टूरे चूरा शरीफ ही चले गए चूरा शरीफ के बाहर एक पानी का नाला है उस इलाके की जुबान चुनू कस्सी आखते हैं हजरत पीर जमात अली शाह साहब जी कस्सी ते पहुंचे तो उधरों ताजदारे चूरा शरीफ फकरे मुहम्मदी का शहनशाह हजरत बाबा जी पीर सैयद फकीरे मुहम्मद शाह गिलानी चुराई रहमतुल्लाह अलैह आप ही कस्सी ते आ गए मुरीद ने मुर्शद की कदम बोसी की बाबा जी हजूर फरमाते ने जमात अली भुख लगी आपने अर्ज की हजूर भूख तो बड़ी लगी है बाबा जी ने बगल चो दो गरम गरम रोटियां देके फरमा लै जमात अली रोटी खा ले पीर जमात अली शाह फरमा देना रोटी खाई जावा कसी दा पानी पीवी जावा नाले ख्याल आया तो चुल्ला कोई नहीं तंदूर कोई नहीं
बाबा जी गरम रोटियां कितों ले आए। बाबा जी फरमान लगे जमात अली की प्या सोचना है, अर्ज की दिला जी पाला सोचना गरम रोटियां कितों आ गई। फरमाया चुप करके खाई जाओ, ये किधरों नहीं आया, जड़िया मां दियां पक दियां छड़ आया सै मैं ओई जाके ले। पीर मुरीदां दे सिर ते रहंदे आप फरमांदे ने हजरत बाबा जी पीर सैयद इस्माइल शाह साहब बुखारी करमा वाले पगड़ी ना बड़ी ढीले जी बांधे सन, बिलकुल कोई संवार के नहीं। एक दिन गुलाम ने अर्ज की, हजूर लोग एडिया संवार संवार के पगड़ियां बन दियो, तुसी बस इंज कपड़ा लपेट लेंदे हो, तो तुसी भी जरा संवार के बनिया करो। ते आप दी अखां चथरू आ गए तो रो के फरमान लगे किसे माही नु इंज बन्नी वेखी सी, किसे माही नु इंज बन्नी वेखी सी, पता लग्या ओ पढ़ के नहीं सन करदे, ओ तक तक के करदे। एवें नहीं पीर मेर अली शाह ने फरमाया इस सूरत नु मैं जान आखां, अफगानिस्तान दा शहर काबुल, काबुल दी गली विच इक बाबा पिया गुजरदा नक्शबंदियां दा इमाम दे पेशवा हजरत सैयदना व मौलाना व औलाना हजरत शेख बहाउद्दीन जम नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। ओ नक्शबंद एक दिन गुजर रहे ते एक कमियार बर्तन पिया बनावे ते आप कोल खलो के ओदे बर्तन वल तवज्जो करन, जेड़े बर्तन वल तवज्जो करन ओ बर्तन जदों उतारे ते ओदे लिखया होवे अल्लाह हु अल्लाह हु। अल्लाहू दा आवाज आया वे कुल्ली ऐ फकीर दी विच, हुक्म यार वाह कदे तुसी मेरे नाल रल जांदे ते गल होर दी होर हो जानी सी। ग्रामी कदर हजरात उस कमियार ने जदों वेख्या ना कि बाबा निगाह करदा ते पांडियां ते अल्लाहू लिखिया हुंदा है, कहंदा ऐ नक्शबंद आलम नक्शे मेरा बबंद, नक्शे चुना बबंद के गवेंद नक्शबंद। कहन लगा जे मिट्टी दे प्याले ते लिख सकना ते मैं भी मिट्टी दा बनया ते मेरे ते भी लिखो। खाजा साहब ने निगाह की तो उहदे दिल ते भी इसमें अल्लाह लिख दिता, उस दिन तो मशहूर हो गए नक्शबंद। यानी जिदे दिल ते आप इशारा कर देने ते निगाह कर देने उदे दिल ते इसमें अल्लाह जात नक्श कर देते ने। काबल दी गली च गुजरे बुखारा शरीफ तो आए तबलीग करन वास्ते, काफिरां दी इक छोटी जी बच्ची सुबह दुध लैन बाजार च आई ते उन्हें वेख्या रश बड़ा लोग इकट्ठे ने ते बच्चियां नूं भुल जांदा घरू कम कि आए सा, रश वेख के बच्ची करीब आके एक बाबे नूं पुछदी इत्थे की है ते बाबा जी कहन लगे साडे पीर आए होए ने। अच्छा बे मुर्शदे नूं की पता होवे पीरां वाले दा कि पीरां वाले किहड़े सुरूर च रहिंदे ने। अच्छा जिहड़ा पीरां वाला ओह बोले सुभान अल्लाह, जिन्नूं लगदा साडे पीर आए होए ने ओह बोले सुभान अल्लाह। भाई जिक्रे हबीब कम नहीं वसले हबीब से, जिन्नूं लगदा मैं जिक्र करना ते बाबा जी आए होए ने ओह बोले सुभान अल्लाह। कहन लगा बेटी साडे पीर आए ने, बच्ची काफिरां दी उहनूं पता नहीं पीर की हुंदा ते मुरीद की हुंदा। कहन लगी बाबा जी पीर की हुंदा है, बाबा जी कहन लगे आ बेटी मैं तैनूं बखावां, उहने इंज करके हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी वाल इशारा कीता। कहन लगे बेटी ओ ओ ओ पीर हुंदे ने। बच्ची ने जदों हजरत खाजा साहब दा चेहरा वेख्या ते एडा सोहणा बाबा, बच्ची दौड़ के कदमी लगी ते कहन लगी बेटे सोहणिया बाबा तू कौन वे। फरमाया बेटी मेरा नाम बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी है, बुखारा शरीफ तो आया।
बच्ची कह लगी लोग क्यों जमा ने, फरमाया बेटी ये मेरे मुरीद ने, मैं पीर हाँ, मेरी जियारत कर रहे। बच्ची काफिरा दी कह लगी बाबा जी मुरीद की होंदा ते पीर की होंदा है। बाबे ने इको जुमले च सारा तसव्वुफ बयान कर दिता, फरमाया बेटी जदों किसी दे मुरीद हो जाइए ना फिर जिंदगी च कदे औखा पारा वेला आवे ते आवाज मारीए ते पीर कम आ जांदे ने। बच्ची छोटी सारी काफिरां दी कह लगी बाबा जी औखा वेला ते आ ही जांदा है ते मैनू भी मुरीद नहीं बना लैंदे। बाबा जी ने कलमा पढ़ा के मुसलमान करके बैत करके फरमाया जा बेटी तू मुरीद नहीं ते मैं तेरा पीर। बच्ची जब टुरन लगी ते कह लगी बाबा जी औखा वेला आया ते बुलावांगी ते फिर आओगे ना, फरमाया हाँ बच्ची कदे औखा वेला आया ते बुलावी फिर असी आ जावांगे। बच्ची घर चली गई, बाबा जी बुखारा शरीफ चले गए। साइया की नज़र सवली हो रब अरूज बड़े देता है। बाबा जी की निगाह हुई तो बच्ची नूं बादशाह दे महल च नौकरी मिल गई। चंद दिन च बच्ची सारे नौकरां दी सरदार हो गई। बाकी नौकरां हसद किया कि बच्ची साड़ी सरदार हो गई तो इनू नौकरी तो मजूल ना करिए। बादशाह दा हीरियां दा हार चोरी करके बच्ची का नाम लगा दिता, छूटियां कमाइया ना बच्ची का जुर्म साबित हो गया। बादशाह ने बच्ची नूं सजाए मौत दे दी कि बच्ची नूं महल की उपर वाली छत ते लै जाओ ते जाके इनू थक्का मार दिओ। बच्ची रोवे कुरलावे ते कवे मैं चोरी नहीं कीती, मैं पीरां वाली हां मैं चोरी नहीं कीती। पता चलिया जेड़े पीरां वाले होन ओ चोरियां ओ नमाज़ां नहीं छड़ दे, ओ जेड़े पीरां वाले होन ओ झूठ नहीं बोल दे। हैं गल साइयां तक जानी है ना, फिर साइयां नूं मैंने बज दे कह लगी मैं पीरां वाली हां मैं चोरी नहीं कीती, पर बच्ची दी सुनन वाला ही कोई नहीं। लादा वाले जो सदा का वेला आया ना ते बच्ची दी अखियां ते पट्टी बन दिती गई। बच्ची नो पट्टी बन के ते महल दी सीढ़ियां चढ़ावन लगे ते बच्ची नो रोंदिया रोंदिया बाबा याद आ गया। बाबे आख्या सी कदे औखा वेला आया ते आवाज मारी, कह लगी आवाज मारा ते अकल कह लगी आवाज ते मारे ते बाबा ते बुखारा शरीफ चला गया ते बुखारे तू इत्थे किवें आवेगा। ते इश्क ने राहबरी कीती ते आख्या तू आवाज ते मार, तू आवाज ते मार। नौजवान बच्ची माल दियां सीढ़ियां चढ़ दियां नाले बुखारे वालों ने चेहरा कर लिया। बुखारे वाल चेहरा कर के कहन लगी वे बाबा एक बारी आ जाओ, वे बाबा जरा जल्दी आ जाओ, मेरी जान चली आ जाओ। नाले सीढ़ियां चढ़ दिया नाले आवाजा मार दिया, कहन लगी बाबा एक बारी आ जाओ, तू आखिया सी बुलाई मैं आवांगा। कहन लगी बाबा मेरी जान चली आया जाओ, कहन लगी बाबा जे अज ना आया हो लोका मैंने मारने ने सुनिया दा पीर कोई नहीं, नाले आवाजा मार दी नाले सीढ़ियां चढ़ दी आई। कहन लगी बाबा जान चली आया जाओ, बच्ची माल दी छत ते आ गई अजे भी बाबा नहीं आया। उन्हें बुखारे वाले चेहरा कीता, कहन लगी एक बारी आ जाओ, जे एक बारी आ जाए तेरा जाता कुछ नहीं मेरा कम बन जाता, अजे भी बाबा नहीं आया। जालमा बच्ची नु धक्का मारे आओ, बच्ची छत तो जमीन वाले आ रही। उन्हें आखरी बारी चीख मारी, कहन लगी हुन ते आ जा बाबा नहीं आया। बच्ची चीख मार के बेहोश हो गई, पर जदू जमीन ते डिगन लगी किसे दे हाथा ने चुक लिया है। बच्ची ने पट्टी खोल के वेखे आओ, अगे खाजा बहाउद्दीन खड़े ने, कहन लगी बाबा बुखारी एडी जल्दी किवें आ गए। फरमाया बेटी तू मुरीद नहीं है मैं पीर हूं, जे तू चुपारे तो आ सकनी है फिर मैं भी बुखारे तो आ सकना। पता लग्या पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदे। पीरे बाहू ने फरमाया, अच्छा पीरे बाहू ने फरमाया, फरमा दे सह कुआं ते मेरा मुर्शिद वसे, मैनू विच निगाह दे रखे हुए। लो हाफिज नाज़िम साहब से कहंदे ने सुना दियो, उंज सुना देवां फिर ना एडी दिल्ली सुभान अल्लाह सुनाया जांदा। तुसीं भी जोर लगाओ ते बोलो सुभान अल्लाह। आप इरशाद फरमा देने कामिल मुर्शिद जेड़ा धोबी वांगन छटे आए
देवे चीटा विच जरा मैं